नमस्कार दोस्तों। तो मानसून 2021 के भारत के अंदर प्रवेश के अंदर लगभग अभी जो है वो 10 दिनों का समय जो है वो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जो है वो अगर अपने बात करें तो लगभग जो है वो 1 जून से पहले यानी जो है वो लगभग 30 या 31 मई को जो मानसून है वो दक्षिणी भारत से यानी केरल राज्य से जो है वो भारत के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसी के साथ में मानसून 2021 की भारत के अंदर जो है वो प्रवेश की जो संभावना है वो जताई गई है। तो बारिश की संभावनाएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगी और मानसूनी सीज़न के अंदर जो बारिश होती है और बाकी जैसे अभी प्री मानसून के अंदर बारिश की गतिविधियां चल रही है उसके अंदर मुख्य रूप से अंतर यही होता है कि बारिश की जो मानसून की बारिश होती है उसके अंदर बारिश की गतिविधियाँ कहीं ना कहीं लगातार होती है, जिसकी वजह से जो है वो फसलों के लिए या किसान भाइयों के लिए ये जो मानसून सीज़न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रहता है। इस वर्ष का मानसून के सीज़न की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा या IMD के द्वारा भी अगर बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सामान्य जो है वो मानसून इस वर्ष जो है वो रह सकता है, यानी जितनी बारिश औसत जो है वो होती है उतनी ही बारिश इस वर्ष जो है वो होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये यहाँ पर अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रही है, यानी 31 मई को जो है वो मानसून प्रवेश कर सकता है और उसके बाद में धीरे धीरे लगभग 5-5, 7-7 दिनों के अंतर के अंदर ये मानसून जो है वो धीरे धीरे लगभग इस तरह से जो है वो बाकी राज्यों के अंदर भी जो है वो बढ़ सकता है। इसी के साथ में बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर एक लो प्रेशर सिस्टम जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आगे आने वाले समय के अंदर अगर इसकी दिशा की बात करें तो लगभग जो है वो ये इस तरह से म्यांमार की तरफ जो है वो मूव करने की या इसकी जो है वो एक तरह से इसका जो रास्ता है वो इस समय जो प्रिडिक्ट है वो किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ में इसका जो असर है वो यहाँ पर जो है वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ में जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी आगे आने वाले समय के अंदर लगभग जो है वो 25-26 मई के आसपास जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, इसके साथ साथ में बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के भी पूर्वी इलाकों के अंदर, कुछ उत्तरी इलाकों के अंदर तेज़ बारिश की गतिविधियां आपको जो वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के मौसम की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं बात करें तो जो नमी वाली हवाएं हैं, जो नमी का फ्लो है वो बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हल्की चितराई बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों के ऊपर केवल देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर, इसके साथ साथ में बात करें तो ओडिशा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर जो है वो बिहार राज्य के पूर्वी इलाकों के अंदर भी जो है वो हल्की से मध्यम चितराई बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों के अंदर हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है, लेकिन जो तूफान बंगाल की खाड़ी के अंदर बन रहा है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यापक बारिश की गतिविधियाँ या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर इन राज्यों के अंदर लगभग 25 तारीख के आसपास आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप ज़रूर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। इसके बाद में अगर उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत के अंदर एक नया जो पश्चिमी विक्षोभ है यानी WD है वो उत्तर भारत के अंदर जो है वो करीब पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बात करें तो लगभग जो है वो 24 घंटों के बाद में यहाँ पर बारिश और इसके साथ साथ में बात करें तो बर्फ़बारी की गतिविधियाँ आपको जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ साथ में बात करें तो कुछ स्थानों के ऊपर उत्तरी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, तराई वाले इलाके, यहाँ पर भी बर्फ़बारी की या कुछ स्थानों के ऊपर ओले गिरने जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसी संभावना काफ़ी कम है, ज़्यादातर संभावना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश की ही आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के बाद में जो लगाई गई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो बारिश और बर्फ़बारी की गतिविधियाँ आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा के भी मौसम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो है वो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो हल्की चितराई बारिश की गतिविधियाँ आगे आने वाले लगभग 24-48 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। राजस्थान के मौसम की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर, उत्तरी राजस्थान के अंदर खास तौर से बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन ज़िलों के अंदर कहीं ना कहीं मौसम जो है वो थोड़ा सा आपको गर्मी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, यानी तापमान के अंदर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। कारण ये है
जैसे ही कोई नया पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उस कंडीशन के अंदर थोड़ा सा जो तापमान है वो इन क्षेत्रों के अंदर या मैदानी इलाकों के अंदर जो बढ़ जाता है, 1 से 1.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी यहाँ पर आपको 24 घंटों के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर बात करें तो मौसम के अंदर जो तापमान के अंदर है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद में जो है वो हल्की बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों के ऊपर जो है मध्यम दर्जे की बारिश उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर यानी गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू इसके साथ साथ में बात करें तो सीकर के अंदर झुंझुनू के अंदर जयपुर के अंदर अलवर के अंदर साथ ही साथ बात करें तो धौलपुर भरतपुर इन ज़िलों के अंदर आपको विशेष तौर से जो है वो देखने को मिल सकती है। बाकी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो ताऊते तूफान जो कि अरब सागर के अंदर बना था उसकी वजह से जिस तरह से बारिश की गतिविधियाँ विशेष तौर से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिली यानी जिसके अंतर्गत तो आप कह सकते हैं कि जालौर के अंदर सिरोही के अंदर उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा इन जिलों के अंदर तो वो बारिश की गतिविधियां अभी जो है वो लगभग बहुत ही कम होने की या बिल्कुल न के बराबर होने का अनुमान आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर लगाया गया है। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर जालौर सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जोधपुर भीलवाड़ा इन जिलों के अंदर लगभग मौसम के जो शुष्क बने रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर अभी भी जो पूर्वी राजस्थान के अंदर अभी भी कुछ स्थानों के ऊपर खासतौर से हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा बूंदी बारां झालावाड़ के अंदर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें तो यहां पर जो है वो जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर यानी जयपुर के अंदर इसके साथ साथ में बात करें सवाई माधोपुर करौली धौलपुर इन जिलों के अंदर अभी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां केवल कुछ स्थानों के ऊपर देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो 21 तारीख को राजस्थान के अधिकतर इलाकों के अंदर मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है। उसके बाद में बात करें तो हल्की बारिश की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर यानी गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू कुछ बीकानेर के क्षेत्रों के अंदर कुछ नागौर के क्षेत्रों के अंदर जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर आपको जो वो हल्की बारिश की गतिविधियां इसके बाद में लगभग 22-23 तारीख के आसपास जो वो देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करूँगा कि राजस्थान के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपको जो है वो आपके ज़िले के मौसम के बारे में जो अनुमान है वो मिल गया होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो गुजरात के अंदर भी लगभग मौसम जो है वो अभी शुष्क हो जाने का अनुमान है। कुछ पूर्वी गुजरात के इलाकों के अंदर यानी जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के भी अधिकतर इलाकों के अंदर जो है वो मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है। केवल कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों के अंदर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ दिनों के बाद में या कुछ घंटों के बाद में लगभग 48 घंटों के बाद में हल्की से मध्यम से तराई बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के अंदर गोवा के अंदर और कर्नाटका के अंदर लगभग मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है। केरल तमिलनाडु के अंदर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां खासतौर से तटवर्ती इलाकों के अंदर और जो है वो तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है वो धीरे धीरे अभी बारिश की गतिविधियां आगे आने वाले समय के अंदर लगभग मुख्य रूप से बात करें तो उत्तरी आंध्र प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के अंदर लगभग मौसम के जो है वो शुष्क बने रहने का अनुमान लगाए गए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो अपडेट दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।